श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। तो आप लोगों को पता है कि गुरुजी इस बार भी 26 जुलाई को महाशिवरात्रि के दिन यानी कि सावन की जो शिवरात्रि है उस दिन रुद्राभिषेक करवाने वाले हैं। तो चलिए इस रुद्राभिषेक के बारे में जो भी सामग्री के बारे में गुरुजी ने बताया है वो सब की लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए आपको चाहिए कि 21 गेहूं के दाने, मेरे स्क्रीन पर आप मेरे को मैं फोटो के साथ दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। 21 गेहूं के दाने लेने हैं, उसके बाद साबुत चावल जो होते हैं यानी कि पूरा साबुत चावल होते हैं वो लेना है आपको 108 दाने, ठीक है। बेलपत्री चाहिए आपको, 7 बेलपत्र चाहिए, बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए इसका ध्यान रखिएगा। कमल गट्टे, आप लोगों को पता है कमल गट्टे कितने चाहिए, 5। सारे फोटो सही से देखिए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद धतूरा चाहिए, 1 धतूरा चाहिए। पुष्प कोशिश कीजिएगा कि गुलाब के 7 पुष्प हो जाएं और या जो भी पुष्प हैं आपके पास वो रख लिए। अगर 7 पुष्प नहीं मिल रहे हैं गुलाब के तो आपको क्या करना है कि इनकी जो पंखुड़ियाँ होती है ना, कम से कम एक गुलाब ले आएँ, 7 पंखुड़ियाँ इनकी बना लें। उसके बाद 7 शमी के पत्ते चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 21 काली मिर्च। काली मिर्च आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं सारे फोटो दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में भी दिक्कत ना आए और लिख भी दिया हूँ जिससे कि आप उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा काला तिल ले लीजिएगा, थोड़ा सा एक चुटकी भर। आपके घर में कलश होता ही, कलश भी की आपको जरूरत पड़ेगी। शिवलिंग यानी जो पार्थिव शिवलिंग बनाना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं किनको कौन सा शिवलिंग बनाना है, मैंने इस पर मेहनत भी किया था तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसके बाद रुद्रा अभिषेक करने के लिए अभिषेक की क्या क्या सामग्री चाहिए उसकी लिस्ट आप तैयार कर ले। दूध, कच्चा दूध रखिएगा गाय का। उसके बाद दही, शहद, उसके बाद घी, शक्कर, पान, सुपारी, कम से कम आपको 3 सुपारी लेना है, ठीक है ना, 3 सुपारी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, 1 पान काम चल जाएगा। इत्र, चंदन, उसके बाद कपूर आरती के लिए 2 घी के दीपक रखना है आपको, एक तो वहाँ पे प्रज्वलित रहेगा और एक से आरती जब होगी तब। थोड़ा सा अक्षत चाहिए आपको। उसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती जो भी होती है ये सब आपको जरूरत पड़ेगी। 1 जनौ ले लीजिएगा। उसके बाद रोली की भी जरूरत पड़ेगी, रोली लीजिएगा। ऋतु के हिसाब से ऋतु फल ले सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है। मिठाई आपकी इच्छा है, ये भी चाहे तो आप रख सकते हैं। ये इतनी सामग्री की लिस्ट थी जो कि गुरुजी ने बताया था। तो आप सारी सामग्री एकत्रित कर लें 26 जुलाई को जो रुद्राभिषेक होगा उसके लिए। तो 26 जुलाई को शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक सावन शिवरात्रि जो है 26 जुलाई को, उसी दिन मंगलवार के दिन रुद्राभिषेक ऑनलाइन गुरुजी करवाएंगे, तो आप लोग सभी उन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं, और कोई भी इशू है तो प्लीज़ हमें बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव।